मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी विजय घोषित किए गए। इनकी जीत से किसी को चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव के जो परिणाम थे इनके फेवर में शुरू थे और कांग्रेस के बम महाराज जो खुश हो गए थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था, एक तरफा चुनाव था। शुरुआती दौर में तो इसको हाई प्रोफाइल सीट नहीं कहा जा रहा था, लेकिन बीच में जो समीकरण हुए, अचानक से कांग्रेस के प्रत्याशी बम जो जीतू पटवारी के खास व्यक्ति माने जा रहे थे, जिनको स्पेशली टिकट दिलाया गया था, वो अचानक से मैदान छोड़कर भाग गए, या यूं कहूं कि बीजेपी में सरेंडर हो गए। वहां पर शंकर लालवानी की जीत उसी दिन दर्ज हो गई थी और आज वो जो मोदी का 400 पार का नारा है उसमें एक सीट जो है शंकर लालवानी की बीजेपी इंदौर से जुड़ गई।